तो हम लोग ने अभी रशी के लिए आर ग्लास की ऑर्डर किया है, दिस इज 5 मिनट्स ग्लास। तो इसमें क्या है कि बच्चों को, हमें भी किसी ने सजेस्ट किया था ये कि सेंस ऑफ टाइम बच्चों को इससे ज्यादा बनेगा, बिकॉज राइट नाउ शी डजंट अंडरस्टैंड हाउ मच इज 5 मिनट्स। अगर बेसिकली दिस इज फॉर अ पनिशमेंट, इफ यू वांट टू पनिश यू फॉर 5 मिनट्स टाइम आउट, तो दिस इज हाउ मच टाइम इज 5 मिनट्स। तो दे गेट अ सेंस ऑफ टाइम। किसके लिए? क्यों इसको पोटी से क्या रिलेशन है बेटा? इसको फेंकेंगे नहीं, बस इस पे उनको ऐसे देखेंगे कि कब मम्मी आएंगी। अच्छा, 5 मिनट्स हो जाए फिर मम्मी को बुला लेंगे। ओके ओके, रशी से क्वेश्चन पूछूंगा, देखूंगा रशी को आता है कि नहीं। ठीक है मम्मा। रशी फैन कहाँ है? फैन पीहू अपना दूध पीने जा रही है, रशी पढ़ाई करने जा रही है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस अपना काम करने। अब सब मिलेंगे 2 घंटे बाद, 2 घंटे तक कोई कुछ नहीं कहेगा एक दूसरे को। भाई कितना चाटते हैं भाई, चाटो चाटो चाटो, डिस्टर्ब नहीं करते, चाटो चाटो चाटो, कुछ नहीं है मेरे, पानी तक नहीं है, मॉइस्चर तक नहीं है, चाटे जा रहा है। चाट ले भाई, चाट ले, ले 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 ले, चेहरा दिखाओ। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, आय हाय। एक बात मैंने नोटिस की, इसके होंठ देखो इतने काले होंठ कैसे भाई? पीछे सिगरेट पीते हो क्या जब क्रेच में जाते हो तो? है दोस्तों का सुट्टा उट्टा लगाते हैं क्या वहाँ पे? ये देखो जरा, क्यों भोलू राम हो सकता है भाई, पीछे से मस्ती करते हो। इधर देखो सुट्टा लगाते हो ना, बोलिए मम्मी को बाहर जाना बंद कर से बेटा। मैंने भी रिसेंटली नोटिस किया था सारे डॉग्स का 8 महीने तक पूरे इनके एडल्ट टीथ सेट आ जाते हैं, बट आई थिंक माऊ का, दिखा माऊ, गुड बॉय, इसका नए टीथ आ रहा है। ये दिखा छोटा टीथ, ये वाला वो देखो अंदर शायद एक और निकल रहा है, तो गीले में बिकॉज ये ना मैंने हाथ चबाता रहता है, खेलता रहता है ही प्लेस, तो मुझे थोड़ा चुभने लगे इसके दांत, तो मुझे लगा नए निकालने। ओ यहाँ बन रहा मेरा खाना, यहाँ बन रहा ऋतु का खाना, ऋतु बना रही है साग, और इसकी मशीन खराब हो गई वाली, साग कूटने वाली जो व्हाइट वाली मशीन है, ब्लेंडर अभी हाथ से कर रही है, गुड। लेकिन इसमें तड़का लाई लहसुन का बढ़िया था, टमाटर काट दिया तो ऋतु ने हाथ से भी सही कंसिस्टेंसी ला दी है, ग्रेट सक्सेस। थोड़े और टाइम किचन में हमारे साथ सब सिखा देंगे, और जो भी रहता है सब आ जाएगा बेटा। इतना बढ़िया कुक है ना हम, अगर हम जैसे क्या कहते हैं इंजीनियर ना होते तो पायलट आते, पायलट ना होते तो फिर यूट्यूबर, यूट्यूबर ना होते ना तो कुक होते। लोग खाना देख के बताते ना कि खाना कैसा बना है, मैं खाने के तड़के की आवाज चलाता हूँ कि तड़का होगा कि नहीं, आवाज चलाता हूँ मैं। हाँ जरूर, क्या क्या रही है मुझे देख के प्याज अपना रंग बदल लेता है कि नहीं नहीं अभी लाल नहीं सकते, भैया गुस्सा हो जाएंगे, खौफ खाते मेरे से, तभी तेज गैस किया मैंने। हाँ 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 वो भी आ गई, सुनो ध्यान रखना अपने सामान का, जूतों का, माऊ खाने वाला है। माओ रशी देखो आठ नहीं आपका खाना, फिर कैसे देंगे? आओ आओ आओ, चलो 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 चलो, हाँ हाँ गुड मॉर्निंग, चलो 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 चलो, हटो रशी खेल भी गए हो, तुम बैठ रहे हो, प्ले स्टे गुड बॉय, स्टे स्टे हैव गुड गुड गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। अभी मैं उठा हूं, उठते पहला काम मैं करता हूं कि मैं खाना देता हूं, गेट अप एट दैट टाइम होनी चाहिए, उसको खाना चाहिए होता है। कॉफी वॉफी पीते हैं, साइकिलिंग करते हैं, थोड़ा सा कार्डियो करते हैं, और फिर आज मेन काम है हमें बाइक का सेटअप करना है, माइक टेस्टिंग करना है, होपफुली उसको सॉर्ट आउट करना है। बट हाँ, बहुत से लोगों ने कमेंट किया था, थैंक यू सो मच, आई एम गोना ट्राई एवरीथिंग। तब फिनिश, जब तक मैंने ये 2 लाइन बोली आपके लिए व्लॉग में, खा भी गया, गुड बॉय, चलो आ जाओ अंदर आ जाओ। माओ रशी ने बंद कर दिया भाई, रशी खोलो भाई, हमको बंद क्यों कर दिया? क्या करा था? देखने तो मम्मा मेरी कह रही है, मम्मा कह रही है कि जब तक पढ़ाई नहीं करोगे नाश्ता नहीं मिलेगा आज। ब ए खु बस खु दु बस सी फॉर खु डी फॉर ड हो गया वहां पढ़ाई, हो गई मेरी क्या है सी ख ख इसकी साउंड है डी डॉग, हो गई बताई मम्मी, हो गई बताई, खा लू नाश्ता, मैं नाश्ता कर लू, हाँ मम्मा गुड मम्मा, इतना एक दिन में इतना ही पढ़ना चाहिए, हाई फाइव। ये हमारा छोटा बेबी बेकार है, वो भी अच्छा है, बट तुम जिम जा रहे हो ना खाने खा के, इसलिए मम्मा मैं घर ही में जिम करूंगा, घर में जिम करूंगा आज, घर में हाँ। तुम्हारे अच्छे अच्छे इयररिंग लाएंगे, दिखाओ मम्मा दिखाओ, ओ पहना मम्मा, पहना दो मुझे, पहना दो मम्मा,
मेरी हेलमेट पे माइक लगा हुआ, उसको निकाल के हम इसको ट्राई करेंगे। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मैंने इसे काफ़ी बार रिकॉर्डिंग की बट फोन में की है, बट गोप्रो में देखते हैं कैसा इफेक्ट आता है। गुड थिंग इसके साथ ये मेल और फीमेल दोनों कन्वर्टर आते हैं। काफ़ी कुछ हमने चेक कर लिया तारे वारे, तो अभी फाइनल ये डिसाइड किया कि जो ये वाला लगा था बोया का माइक ये मैं निकाल रहा हूँ और उसकी जगह मैं ये वाला लगा रहा हूँ। इसमें ऑलरेडी एक्चुअली माइक टेस्टिंग हो गई बेटा। तो ये जो इसका मेल अडॉप्टर, इसमें देखो तीन ब्लैक डॉट्स होती है, इससे नहीं चल रहा। उसके ऊपर हम ये लगाएंगे फीमेल अडॉप्टर, इसमें है दो काली डॉट्स, तो इससे चल रहा है। तो होपफुली आज आवाज़ बेटर रहेगी। और मैंने अपना एक डेड कैट मंगा लिया, लाइक विंडसॉक मंगा लिया, विंडसॉक बोलो तो एविएशन होता है, जो फर्नियर में फर लगाते हैं जो कुछ है। अरे रुक जा बेटा, कुछ ही होता है, ये तो रोड का है, ये लगेगा नहीं। आज मंगा लिया आवाज़ आएगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ टेस्टिंग करने, उसके ऊपर ना कॉटन लगा लूंगा मैं अपने माइक के ऊपर, फिर टेस्टिंग करूंगा कि कैसा ऑडियो आ रहा है। होपफुली आज सॉल्व हो जाना चाहिए। थोड़ी दिक्कत है कि ये पूरा निकालना पड़ेगा वायरिंग अंदर से। देखो पीछे से कितनी वायरिंग गई हुई है, मतलब आपको दिखेगा भी नहीं। देखो ये, देखो ये बहुत वायरिंग गई यहाँ से, पूरा निकलाया। होपफुली उसे लग भी जाए, क्योंकि निकालना तो आसान है, घुसाना मुश्किल है। यू आर माई मॉम एंड आई एम योर माँ। हो गए अंग्रेजी, आप मेरे ऐसे लगा होता है, इसको निकालना पड़ेगा क्लिक क्लिक करके। तब तो पुराना माइक इसकी इतनी लंबी तार थी, तो ये भी एडजस्ट करनी पड़ती थी। होपफुली नए माइक की तार इतनी लंबी नहीं है, नया माइक तो छोटा सा ही है। तो ये टेम्परेरी जुगाड़ बनाया मैंने, दिस इज होपफुली विल एक्ट एज अ डेड कैट। साउंड की इंटरफेरेंस बहुत कम है, इसको लगा देंगे यहाँ पे, बस ये तार लपेटने में को छुपानी है तार। मतलब सेटअप से रेडी, बाहर से कुछ ऐसा लग रहा है, यहाँ टेप लगा दी है, अंदर से इसको यहाँ टेप लगा दी। पहला एम था कि डेड कैट लगा के देखे, फर लगा के देखे, वेरी इंटरफेरेंस को रोक के देखता हूँ। उसके बाद कुछ लगे मेरे को, लोग बहुत लोगों ने बोला कि किसने कहा कि ये जाली काट दो, जैसे ये वाली जाली काट दो। तो मैंने कहा वो करेंगे वो सब चीज़ें, लेकिन अगर छोटे काम से हो जाता है तो माइक मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि इस पुराने वाले माइक में ना, पुराने वाले माइक में लगती थी बैटरी, ये वाली यहाँ पे बैटरी लगती थी और इसको बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो कभी कभी आप ब्लॉगिंग करके आपने माइक ऑन छोड़ दिया। वेयरिंग दिस बिकॉज दिस विल एक्ट एज अ मास्क एंड ऑल्सो कि मेरे मुंह से कोई हवा ना जा रही हो। आज सारे प्रिकॉशन है। भाई साहब इतनी बढ़िया काम करी ना ये चीज, इतनी बढ़िया, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं है। मैं भी सुनाता हूँ आपको, सुनिए देखा, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं भाई, क्योंकि कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। जब कोई रिकॉर्ड नहीं होता तो डिस्टर्बेंस नहीं होती। पूरा गंदा कर गया अपना भाई, मुझे इतना मैंने जतन वतन किया, बट लेकिन अभी दिक्कत क्या है वो घर जाके देखेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब आप टेस्टिंग करते हैं ना, तो आप जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं यू कैन नॉट चेक राइट देन एंड देयर, घर आके पूरा राइड मार के फिर चेक कर पाते हो, तो कट गया अपना गंदा वाला। इन शॉर्ट पापा घर पे आए नहीं कि दीदी क्या कर रही है। ए लो दीदी आप क्या कर रहे हो, क्यों तुम्हें क्या शौक था कपड़े धोने का आज, तुम्हारी लड़की को क्या शौक था कपड़े धोने का आज। ये किसकी साउंड होती है, ए ए गोल्ड। मम्मा नहीं नहीं कराता हूँ पहले, नहीं नहीं कराता हूँ पहले, नहीं भी नहीं, प्लीज मम्मा प्लीज। हम फ्रेंड के पास भी नहीं जाएंगे, सब कैंसिल कर दिया मैंने। क्यों मम्मा, क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं करी। नहीं मैं रोने लगूंगा, मैं नहीं मम्मा, मुझे फ्रेंड के पास जाना है, मेरे को घूमी जाना है, मॉल जाना है। मैं पढ़ाई कर चुका हूँ मम्मा, कर चुका हूँ बेबी, कोई पढ़ाई नहीं किया मैंने, कर दिया पढ़ाई, कोई पढ़ाई नहीं करी। मम्मा सुनो, मैं इस बेबी ने करी है, इस बेबी ने करी है, हाँ? इसने कर ली है, हाँ? कब की इसने, झूठी मम्मा। मैं इंटेलिजेंट बेबी हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ। मम्मा आप चीटिंग करते हो, बेबी मम्मा बेबी पिट्टी कर दूंगी मैं। नहीं मम्मा मेरे को घूम ही जाना है, हाँ चलो बताओ करूंगा, खुद नहीं आ रहा मम्मा। ए हाँ ए ऐसे लिखते हैं, हाँ मम्मा ये तो आप मम्मा बनी हो, मम्मा जान सकती है, सिर्फ कैरेक्टर में तभी नहीं हंसेंगे, सॉरी मम्मा ऐसी बात आप असली में नहीं करोगे, अभी तो आप मम्मा बनी हो इसलिए आप कर सकते हो, मम्मा डांट सकती है ना बेबी को। हैज बीन डन, रेडी हो चुका हूँ, जाना था बैंक लेकिन अभी बैंक नहीं जा पा रहा क्योंकि कुछ इशू आ गया है, एक प्रिंट आउट था वो अभी नहीं मिल रहा है। अच्छा और किसी ने अपनी बाइक छेड़ी है, कोई अपनी बाइक का सहारा नहीं, कोई कर रहा है कांड, हाँ अपनी बाइक है, अपनी बाइक है भैया, किसने छेड़ी बाइक, कौन छेड़ के गया है, अपनी बाइक है। फाइनली अभी बैंक आ ही गए, बस ये डॉक्यूमेंट देना है, निकल आप प्रिंटर काम करके आखिरी टाइम पे,
देखे निकल रहा है, लेकिन दिक्कत ये 5:30 हो गया, शायद बैंक बंद हो गया। और अन्याय हो गया, चाय रखी गर्म करने के लिए 40 सेकंड के लिए 40 मिनट लगा दी थी, तभी मैं कहूँ 40 सेकंड तो हो जाने चाहिए, पूरी गिर के नीचे हो गई यार, शिट। रितु, आई थिंक आई एम इन लव, आई एम ओवर नुकसान। जैसे चाय ले रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरा नुकसान हो गया आज। ऐसे देखा है जैसे क्या चाय पी के जाओगे क्या? डिनर टाइम में भी है 1 घंटा, आंख ना मारो।